से हर कोई मकड़ियों से वाकिफ है। अक्सर इन्हें और इनके बनाए जालों को हमने अपने घरों में देखा है। घरों में रहने वाली मकड़ियां ज्यादातर खतरनाक नजर नहीं आती, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ मकड़ियां बेहद खतरनाक होती है? एक मकड़ी ऐसी ही है जो बिच्छू और मकड़ी का मेल है। तो आइए जानते हैं ऐसी ही मकड़ियों के बारे में। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रहस्य एंड नेचर के इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही बने बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। यह एक कैमल स्पाइडर है जो देखने में जितनी खतरनाक दिखती है, यह है भी उतनी ही खतरनाक। यह स्पाइडर यदि काट ले तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है। यह स्पाइडर अपने शिकार को खतरनाक जबड़ों से पकड़कर उसमें अपने जहर से भरा डंक मार देती है, जिससे शिकार दोबारा कुछ कर ही नहीं पाता। और इसकी पकड़ इतनी जबरदस्त होती है कि एक बार जो इसकी पकड़ में आ गया, समझो वो गया। ये स्पाइडर मुख्य रूप से कीड़े, बिच्छू और छोटी छिपकलियों को खाता है। आप इसकी आक्रामकता को देखकर ही समझ जाएंगे कि वास्तव में यह कितना खतरनाक है। यह किसी भी जीव को एक बार पकड़ ले तो उसका इस स्पाइडर से छूट पाना लगभग नामुमकिन होता है। इसके जहर से और जबड़ों की पकड़ से शिकार का मरना तय माना जाता है। हालांकि इस स्पाइडर के काटने से मनुष्य की जान तो नहीं जाएगी, लेकिन आपको भयंकर दर्द सहन करना पड़ सकता है। आपको चार बिच्छुओं के डंक जितना दर्द सहन करना पड़ सकता है। तो आप इस मकड़ी से तो दूर ही रहिए, इसी में आपकी भलाई है। फिर भी अनजाने में अगर आपको ये काट ले तो आपको दर्द के साथ भयंकर दिखने वाला घाव भी हो सकता है, और अगर उस घाव में स्पाइडर का डंक रह गया तो घाव में संक्रमण भी हो सकता है। तो आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। कैमल स्पाइडर के रूप में जाने जाने वाला यह जीव वास्तव में मकड़ी नहीं है, न ही एक बिच्छू है। यह बिच्छू और मकड़ी का एक मिला हुआ आर्चिड है। इसका निवास स्थान मध्य पूर्व अफ्रीका के कुछ हिस्से और दक्षिण पश्चिम संयुक्त राज्य अमेरिका का रेगिस्तानी इलाका है। वास्तव में कैमल स्पाइडर आकार में अपेक्षाकृत छोटी होती है। उसके आहार में मुख्य रूप से कीड़े, बिच्छू और छोटी छिपकलियां होती है। वे 10 मील प्रति घंटे की गति से चलती है, लेकिन मनुष्य के प्रति आक्रामक नहीं होती। यह मनुष्य पर तभी हमला करती है जब वह खतरा महसूस करती है। वैसे कुछ भी हो, ऐसी मकड़ी से दूर रहने में ही भलाई है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो आपको कैसी लगी।